सो हेलो एवरीवन, आई थिंक मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है। हाँ क्विकली क्विकली आ जाइए प्लीज, जल्दी से, सो दैट वील स्टार्ट। हेलो अभिषेक, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो क्विकली हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो आज हम ओके। सो अभिषेक, आई हैवंट रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, आई गेस ऑन इंस्टा, दोबारा भेज के देख लेना प्लीज। ऑल राइट, आई थिंक साउंड इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर सेशन। दैट इज टुडेज इज एपिसोड 5, दैट इज डॉम एक्सेसिस अटैक। हमने रिफ्लेक्टेड देखा था, हमने स्टोर्ड देखा था, बीच में इंटरनेट स्पीड की वजह से मैं रात को सेशन नहीं ले पाई। सो आई थॉट कि ऑफिस में इंटरनेट अच्छा आ रहा है, सो आई विल टेक अप हियर। तो इसलिए मैंने आज आपको 6 o'clock पे सेशन रखा। ओके, सो आज का सेशन हमारा डॉम एक्सेसिस का है। डॉम एक्सेसिस क्या करेगा आज हम वो समझेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि डॉम एक्सेसिस की बेसिकली डॉम एक्सेसिस करता क्या है, डॉम एक्सेसिस का काम क्या होता है। एक्सेसिस जो होता है वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का वर्क करता है, एंड ये जनरली फ्रंट एंड पे पार्ट पे होता है। लेकिन कई बार फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, इन सब का कॉम्बिनेशन अटैक्स भी लगते हैं, राइट? सो डॉम एक्सेसिस अटैक उसमें से एक होता है। स्टोर्ड एक्सेसिस अटैक हमेशा आपका डेटाबेस से रिलेटेड पार्ट पे लगेगा। रिफ्लेक्टेड हमेशा सर्च पे लग गया, या कोई भी चीज जो रिफ्लेक्ट अलर्ट शो करने वाली हो गई वहां पे वो एक्सेसिस लगेगा, रिफ्लेक्टेड एक्सेसिस। अब डॉम एक्सेसिस क्या करता है? डॉम एक्सेसिस भी इससे रिलेटेड सॉर्ट ऑफ का होता है। डॉम एक्सेसिस का बेसिक फंडा ये रहता है कि ये क्लाइंट साइड पे ज्यादा मोटिव रखता है, मीन्स ये क्लाइंट साइड पे वर्क करता है, और क्लाइंट साइड ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी चीज पे वर्क करने के लिए। मैं स्लाइड थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। थोड़ा सा ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ओके, सो डॉम एक्सेसिस बेसिकली क्लाइंट साइड के लिए होता है। क्लाइंट साइड पे हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि सारा हमारा फिजिकल अपियरेंस, हमारा जो लुक एंड फील होता है, वो पूरा क्लाइंट साइड पे होता है। क्लाइंट साइड से डेटा रिक्वेस्ट आता है, एंड देन वो आगे फॉरवर्ड होता है, एंड देन इट कम्स अगेन एज अ रिस्पॉन्स। सो क्लाइंट साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैक्सिमम करप्शन क्लाइंट साइड से कर देता है अटैकर, ठीक है ना? तो वो डॉम में भी आते हैं, एंड उस चीज को हम ये भी मानते हैं कि वहां पे हमारे पास कोई सा भी एक्सेसेस अटैक लग सकता है, नो डाउट। पर जनरली रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस सिंपल सा अटैक होता है, एंड उस पे ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया जाता है, हालांकि वो भी डेंजरस हो सकता है अनडाउटेडली। ओके, नाउ अब हम डॉम एक्सेसेस पढ़ते हैं। डॉम एक्सेसेस इज आल्सो नोन एज डॉम एक्सेसेस, अराइजेस व्हेन एप्लीकेशन कंटेन्स सम क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। ओके, सो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, ओके, इट कंटेन्स सम क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट दैट प्रोसेसेस डेटा फ्रॉम एन अनट्रस्टेड सोर्स इन एन अनसेफ वे। ठीक है, अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, पर पहले इसको समझ लो, क्योंकि डॉम एक्सेसिस अटैक में जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये सिमिलर होता है रिफ्लेक्टेड जैसे, बट रिफ्लेक्टेड नहीं होता। रिफ्लेक्टेड वर्क करता है आपका HTTP रिक्वेस्ट के बिहाफ पे, एंड डॉम एक्सेसिस वर्क करता है क्लाइंट साइड, मेजर क्लाइंट साइड पार्ट पे, ठीक है? एंड स्टोर्ड एक्सेसेस वर्क करता है जो भी रिलेटेड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स या फीडिंग होता है डेटाबेस से रिलेटेड, वहां पे आपके पास स्टोर्ड एक्सेसेस आता है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल एन एप्लीकेशन यूजेस सम जावास्क्रिप्ट टू रीड द वैल्यू फ्रॉम एन इनपुट फील्ड
एंड राइट दैट वैल्यू टू एन एलिमेंट विद एन एचटीएमएल। एचटीएमएल में क्या आ जाएगा, वेयर सर्च इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब सर्च फील्ड में लग गया कहीं पे कोई रिजल्ट आ रहा है तो वहां पे कुछ आईडी शो करनी है, वहां पे रिजल्ट के पार्ट पे लग गया, ठीक है ना। तो मतलब मेनली डॉम एक्सेसेस भी सर्चिंग के ही पार्ट पे लगते हैं कई बार। ओके, अब हम इसको एक बार समझते हैं ये क्या कर रहा है। इफ एन अटैकर कैन कंट्रोल द वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड, अगर अटैकर कंट्रोल कर सकता है आपका इनपुट फील्ड का वैल्यू, देन इट कैन इजीली कंस्ट्रक्ट अ मैलिशियस वैल्यू एंड फिर वो उससे स्क्रिप्ट भी जनरेट कर सकता है मैलिशियस, ठीक है ना। सो जितनी भी सर्च फील्ड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा एम्फसाइज वाली होती है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है समझने के लिए। यू सर्च फॉर लाइक सपोज यहाँ पे हमारे पास ये कुछ टैग लगा हुआ है, ठीक है ना, ये टैग बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, ये टैग जिसको अभी हमने बैड स्टफ बोला। इन द टिपिकल केस द इनपुट फील्ड वुड बी पॉपुलेटेड फ्रॉम पार्ट ऑफ द एचटीटीपी रिक्वेस्ट सच एज यूआरएल क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर अलाउइंग द अटैकर टू डिलीवर एन अटैक यूजिंग अ मैलिशियस यूआरएल इन द सेम मैनर एज रिफ्लेक्टेड। ओके, मतलब क्या होता है, अगर आपके ब्राउजर पे यूआरएल शो हो रहा है तो वहां पे भी वो मैलिशियस पार्ट रख सकता है, मैलिशियस यूआरएल रख सकता है, एंड फिर उसके बाद इन द सेम वे रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस मींस रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के जैसा ही वो काम कर सकता है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास कोई क्वेरी स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई डबल कोट्स सिंगल कोट्स जैसी चीज भी हो सकती है, तो कोई भी चीज यहाँ पे वैलिड कर सकती है सर्च से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड, ब्राउजर से रिलेटेड। सो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आई थिंक यहाँ तक चीज सबको क्लियर है, राइट? प्लीज टाइप इन द चैट विंडो इफ दीज थिंग्स आर क्लियर। क्विकली क्विकली अगर यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है तो फटाफट से बता दीजिए प्लीज, सो दैट वील स्टार्ट विद प्रैक्टिकल सेशन नाउ। हेलो अभिषेक, हेलो शॉर्ट स्टडी मैम, आपका सर्टिफिकेशन क्या है? सर्टिफिकेशन है सीएच एज वेल एज ईसी सीएस जावा, ये मैंने इसी काउंसिल से कर रखा है, एंड आई एम आल्सो अ लीड ऑडिटर। ओके, सो ये मेरे सारे सर्टिफिकेशंस हैं। आई गेस किसी को भी कोई डाउट नहीं है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम इसके प्रैक्टिकल पे चलते हैं, प्रैक्टिकल हम इसका फायरफॉक्स पे करेंगे, फायरफॉक्स पे करेंगे इसका प्रैक्टिकल, एंड हम मूव करते हैं इसके प्रीवियस सेशन पे जो कि ये डॉम एक्सेसेस अटैक है। डॉम एक्सेसेस अटैक में इन्होंने क्या बता रखा है वो फटाफट से आप देख लीजिए। दिस लैब कंटेन्स डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसको हम समझेंगे पूरा ढंग से समझें, क्योंकि बग बाउंटी एज वेल एज जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने के, वो इसी तरीके से डिजाइन होते हैं और इसी तरीके से होते हैं। सो आई थिंक ये सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा फटाफट से। नाउ द लैब कंटेन डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी इन सर्च क्वेरी ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी, इट यूजेस द जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम एक बार लैब को एक्सेस करके चेक करते हैं। लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है एंड ये लोड हो गया। सो आप ध्यान से देखें, डॉम एक्सेसेस इन डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंक यूजिंग सोर्स लोकेशन डॉट सर्च, मतलब ये जो डाउट बता रहा है वो इसका सर्च फील्ड में कुछ डाउट बता रहा है, ठीक है ना, और इसके सर्च फील्ड को हम किस तरीके से देख सकते हैं या कैसे चल सकते हैं हम उस पर, वो हम समझ लेते हैं एक बार। अगर हम यहाँ पे सपोज ऐसा कुछ भी टाइप कर देते हैं तो वो हमें ऑब्वियसली जीरो सर्च बोलेगा। तो ये मैंने जो ए बी सी डी 1 2 3 4 5 टाइप किया है ये एक रैंडम टाइपिंग है। ओके, अब अगर हम इसको यहाँ पे सर्च करें, हालांकि ये यहाँ पे दिख रहा है बट फिर भी आप यहाँ पे टाइप करके देखें तो आपको मिल जाएगा, मींस वो हाईलाइट ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन अगर हाईलाइट नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो हम उस केस में हाईलाइट करके देख सकते हैं।
ठीक है। अब अगर यहीं पे हम अपनी कुछ स्क्रिप्ट टाइप कर दें तो कैसा रहेगा? अगर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप कर दें, क्योंकि अब ये तो पता चल गया कि ब्राउजर में, सॉरी, सर्च पार्ट पे हम कुछ अटैक लगा के देख सकते हैं, और कुछ वो, अगर जो भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो शो कर रहा है, राइट? सो अगर हम यहाँ पे कोई अटैक लगा के देखें या कोई स्क्रिप्ट, मैलिशियस स्क्रिप्ट लगा के देखें, तो एक बार समझते हैं क्या क्या हो सकता है उससे, राइट? सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस। सपोज यहाँ पे मेरे ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट लगी हुई है, पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ। ये हमने स्क्रिप्ट कैसे लगाई है, हम एक बार देख लेते हैं। हमें सर्च टैग पे लिखना है, और मैंने आपको बता रखा है जब भी स्क्रिप्ट्स लगाई जाती हैं वो बहुत डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, हाइफ़न, कमेंट्स, इनके बिना तो ये स्क्रिप्ट कंप्लीट ही नहीं होती है। तो हमने इसको जो लगाया है लोड करने के लिए, कि ये अलर्ट जो हमने अलर्ट में वन लिखा है, ये लोड होता है SVG टैग में, तो किस तरीके से ये वर्क करता है। हम अगर इसको एक बार सर्च पे क्लिक करके देखें तो उसने हमें ये दिखा दिया। इसका मतलब ये है कि अगर हम कुछ भी स्क्रिप्ट यहाँ लगाते हैं तो वो शो करेगा। स्क्रिप्ट इन द सेंस, वो स्क्रिप्ट भी वैलिड करनी चाहिए, ठीक है ना? सो यहाँ पे ये चीज हमारा वर्क कर गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज क्विकली पूछ लीजिए। सो डॉम एक्सेसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो ये इंटरनल लगाया हुआ है, आप देखो हमारा ये क्लाइंट साइड का पेज है जो रिक्वेस्ट लेता है एंड रिस्पॉन्स उस पे जनरेट करके देता है। पर अगर आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को, तो ये देखेंगे कि यहाँ पे क्लाइंट साइड का अगर हम कोड देखें, HTML कोड देखें, स्क्रिप्ट देखें, तो वहां पे अगर हम, मतलब क्लाइंट साइड पे अगर हम कुछ स्क्रिप्ट लगा पा रहे हैं एंड वो वर्क कर रहा है, तो वो डॉम एक्सेसेस अटैक के अंडर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो इस तरीके से ही लैब सारी सॉल्व होती है, और यही चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। अब जैसे अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, डॉम एक्सेसेस इन इनर HTML सिंक यूजिंग सोर्स लोकेशन। अब इसमें क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या है, इनर HTML की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास डॉम एक्सेसेस का है, लेकिन सर्च आया है। आप इसको इस तरीके से समझें कि कैसे कैसे हम बग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ सर्च में होते हैं, कुछ कमेंट्स में होते हैं, कुछ टेबल में होते हैं, तो वो किस तरीके से हम हाईलाइट कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, सो हम इनको देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे भी क्या है, ऑब्वियसली स्क्रिप्ट ही लगेगी। स्क्रिप्ट के बिना तो यहाँ पे भी कोई काम नहीं होगा। तो अब स्क्रिप्ट कैसे लगेगी, या तो हम पुरानी वाली ही स्क्रिप्ट ट्राई कर लें, या हम कोई नई स्क्रिप्ट बना लें, ठीक है ना? हम एक बार ये स्क्रिप्ट भी लगा के देखते हैं। ये बहुत कॉमन स्क्रिप्ट है, एंड ये कॉमन स्क्रिप्ट भी एक बार लगा के देख लेते हैं। ये स्क्रिप्ट वर्क नहीं करी। क्यों वर्क नहीं करी? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है डॉम एक्सेसेस इन इनर HTML सिंक यूजिंग सोर्स लोकेशन डॉट सर्च। अब उसने हमें हाईलाइट किया है कि हम ना सर्च वाले पार्ट पे ही फाइंड आउट करें, मतलब सर्च वाले पार्ट को ही हमें देखना है एंड उसे समझना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना रहेगा, लोकेशन डॉट सर्च उसने बोला है।
यहाँ पे हम दूसरा टैग लगा के देखते हैं जो कि इमेज का है। मैंने पहले लगाया था इस वजह से, अदरवाइज आई विल पुट इट अगेन ऑन एरर जस्ट टू शो द एरर, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है हमेशा अलर्ट स्क्रिप्ट वाला हमेशा रन करें। अगर हम लोकेशन पे टैगिंग कर रहे हैं तो हम SVG रख के देखें, हम इमेज टैग रख के देखें, सोर्स फाइल रख के देखें। जैसे सोर्स में हमने 1 लिख दिया, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, उसको सर्च उसको चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। मैंने टैग पूरा बंद नहीं किया था, हमेशा ध्यान रखिए ओपन किया है फिर उसकी कर दो। ऑन एरर एंड यहाँ पे वर्क कर गया। तो एक्चुअली पोस्टविगर ने अपनी बहुत सारी लैब्स इस तरीके से कास्ट कर रखी है, हर एक फंक्शनैलिटी के लिए नॉर्मल स्क्रिप्ट कैसे लगेगी, सर्च की स्क्रिप्ट कैसे लगेगी, इनर HTML अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं सर्च लोकेशन सर्च तो वो कैसे यूज होगा, उन सारी चीजों पे उन्होंने ये कंक्लूड कर रखा है। ऑल राइट, होपफुली आपको ये डॉम एक्सरसाइज समझ में आ रहा होगा ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। डॉम एक्सरसाइज मेनली हमारा क्लाइंट साइड पे ही फोकस करके चलता है, एंड क्लाइंट साइड पे हम किस तरीके से वल्नरेबिलिटी शो कर सकते हैं या किस तरीके से हम वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑलराइट, हालांकि डॉम एक्सरसाइज कंपैरेटिवली स्टोर्ड एंड रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज के मुकाबले ये कम मिलते हैं, बट स्टिल ये मिलते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लास्ट वाला करते हैं, आई गेस ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये वाला करते हैं। अब यहाँ पे क्या आया हमारे पास, ये भी डॉम एक्सेसेस है लेकिन ये कुछ jQuery का यूज करके है, मतलब रेफरेंस यूज कर रहे हैं हम, एट्रीब्यूट रेफरेंस यूज कर रहे हैं एज एन एट्रीब्यूट, सिंक यूजिंग लोकेशन डॉट सर्च सोर्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस आया। जब भी हमारे पास एच रेफरेंस आता है तो कोई ना कोई बटन पे लग सकता है, कोई ना कोई क्लिकिंग जोन पे लग सकता है, उधर हमें सर्च करना रहेगा। तो हम सबमिट फीडबैक पे चलते हैं, मैंने इस हिसाब से आपको ये चीज बताई है। अब सबमिट फीडबैक पे क्या करेंगे हम, वो हमें चीज देखनी है। सबमिट फीडबैक पे एक तो हम यहाँ पे भी फिल करके देख सकते हैं, और हमें एक ये भी पाथ मिल रहा है तो हम उस चीज को भी देख सकते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट चेक करूं अगर मैं इस पे इंस्पेक्ट एलिमेंट चेक करूं और सर्च करूं कि आया है या नहीं आया, क्या है PQRS, तो ये हुआ है। अब अगर इसी हिसाब से मैं यहाँ पे अगर जावा स्क्रिप्ट लगा दूं तो अलर्ट टैग ही लगता है, रिफ्लेक्टेड डॉम स्टोर्ड सब में अलर्ट टैग लगता है। यहाँ पे इसने ये बताया कि हमारे पास ब्राउजर में जो पाथ आ रहा है वहां पे एक्सेस अटैक लगे, वहां पे एक्सेस अटैक लगे। सो होपफुली आप लोगों को ये एक मेरी शॉर्ट डॉम एक्सेस की वीडियो समझ में आई हो, एंड आई थिंक ये बहुत ज्यादा इजी है पर
फर्क वहां पे पड़ता है कि हमें ये चीज पता हो कि कब सबमिट पे जाना है, कब हमें सर्च पे आना है, कब हमें ब्राउजर पे जाना है, तभी हम इस चीजों को पता लगा सकते हैं। ठीक है? सो अगर किसी का कोई डाउट है सो प्लीज आप बताएं। और बाकी ये सारे मॉड्यूल्स एंड ये सारी चीजें हमारी एकेडमी चीज पे अवेलेबल है, दैट इज ASDacademy.in। ये हमारी एकेडमी है, इसमें हमारी ये सारी चीजें प्रेजेंट है। मतलब हम जो डिप्लोमा कराते हैं, हम जो भी चीजें कराते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हमारे ये सारी चीजें प्रेजेंट है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, राइट? तो आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी एंड समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजें होती है। आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने तीन डॉम एक्सेसेस बताए हैं, कुछ सर्च पे हैं और एक ब्राउजर पे है। इस तरीके से आपको भी ये प्रैक्टिस करनी रहेगी। आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको भी समझ में आता जाएगा एंड आप कर पाओगे अच्छे ढंग से। सो आई थिंक यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ऑलराइट, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। MS 2.0 अभी आए हैं, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इस सेशन के, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको आज डॉम एक्सेसेस बताया है। डॉम एक्सेसेस में जनरली क्लाइंट साइड का ही रोल होता है एंड हमने उसी को ही कंसीडर करके आज डॉम एक्सेसेस की क्वेरी सॉल्व करी है। ठीक है ना? डॉम एक्सेसेस इतना कॉमन तो नहीं है, बट यस, डॉम एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि ये भी एक तरीके का एक्सेसेस अटैक ही होता है। डिपेंड करता है कि इसका एम्फेसिस कितना है। ओके, सो MS 2.0 पूछ रहे हैं, फिर से बताइए। तो आपको कौन सा पूछना है, आप ये बता दो। ओके, क्या चीज समझ नहीं आई है, मुझे दोबारा बताएं। कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया है? आई गेस आप अभी आए हैं शायद, इस वजह से समझ नहीं आया है। बट एनी वेज, आज हम डॉम एक्सेसेस पढ़ रहे थे एंड डॉम बेस्ड एक्सेसेस का मेन कॉमन वर्क ये होता है, व्हेन एन एप्लीकेशन कंटेन्स सम क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट दैट प्रोसेसेस डेटा फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्स इन एन अनसेफ वे यूजिंग राइटिंग डेटा बैक टू द डॉम। मतलब ये होता है कि डॉम एक्सेसेस क्लाइंट, आप अगर शॉर्ट में समझोगे तो क्लाइंट साइड का जो सारा का सारा काम रहता है, अगर वहां पे जैसे सपोज कोई फंक्शनैलिटी हो गई, कोई ब्राउजर्स हो गए, कोई आपका सर्च हो गया, वहां पे अगर कुछ इश्यू आता है तो वो डॉम एक्सेसेस के अंदर काउंट होगा। हाँ, तो मैं डॉम के बारे में ही आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। डॉम, आपको डॉम पता होना चाहिए। डॉम क्या होता है? डॉम एक तरीके से इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट होता है ना? जैसे जनरली आपने मंदिर मस्जिद में देखा होगा एक डॉम बना होता है, उसी से रिजेम्बल इन्होंने डॉम एक्सेसेस बनाया है। ये डॉम एक्सेसेस क्या करता है, आपका फ्रंट पार्ट पे होता है, मीन्स आपका क्लाइंट साइड पे होता है, एंड क्लाइंट साइड को अगर कोई भी अनट्रस्टेड सोर्स मिलता है तो वो वहां पे वो चीज बहुत अनसेफ होती है एंड वो डॉम एक्सेसेस अटैक हो सकता है उस जगह। उस चीज को मैं आपको बता रही थी। ओके, सो आपका क्वेश्चन है, मैम किसी साइट पर एसक्यूएल अटैक करते हैं तो क्या होता है उस पर? बेसिकली एसक्यूएल अटैक में, मैंने आप मेरी अगर पीछे की वीडियोस देखेंगे तो एसक्यूएल अटैक आपको पता चलेगा। एसक्यूएल अटैक में वो एसक्यूएल अटैक कितना इंजूरियस है एंड कितना डेंजरस है उस पे डिपेंड करेगा, राइट? अगर वो एसक्यूएल अटैक सिर्फ क्वेरीज फाइंड आउट कर रहा है, क्वेरीज रिट्राइव कर सकते हैं हम उससे, हम डेटाबेस लीक कर सकते हैं उससे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एसक्यूएल इंजेक्शन काम करता है। ठीक
ठीक है ना। एंड वो डिपेंड करता है कि हमारा लेवल या सामने वाली साइट पे किस तरीके से हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन इंपैक्ट कर रहा है। ऑल राइट, सो आपने डॉम की फुल फॉर्म बताई, दैट्स रियली गुड। ओके, सो बेसिकली डॉम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक डॉम स्ट्रक्चर होता है, राइट? सो उसी के नाम से यहाँ पे एक अटैक रखा गया है, डॉम एक्सेसेस अटैक। एंड ये अटैक जनरली एप्लीकेशंस में हमारे क्लाइंट साइड पे पाया जाता है, और सिर्फ इस चीज की प्रोसेसिंग होती है, और ये सब जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे जावा से, और जावास्क्रिप्ट के बिना हमारा फ्रंट नहीं चल सकता, क्लाइंट साइड नहीं रन कर सकता। ओके, सो आई गेस यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी नेक्स्ट स्टफ पे। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। इस वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने इसमें रिफ्लेक्टेड डॉम स्टोन सबका कंपैरिजन भी दिया है, बताया है आपको। आप प्रैक्टिस के तौर पे इस चीज को यूज करें, क्योंकि अगर आप किसी को इलीगली करना चाहेंगे, किसी साइट को करप्ट करना चाहेंगे या इलीगली करना चाहेंगे, और वहां पे अगर आपकी आईपी ट्रेस हो जाती है, तो बहुत हाई पेनल्टी लग सकती है उस चीज पे। सो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को करा जाए, और बेटर है कि आप डमी साइट्स पे करें या लैब्स में करें, तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। ऑल राइट, सो आई थिंक यहाँ तक चीजें आप सबको क्लियर है। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यस, अभी एक्सरसाइज खत्म हो जाए उसके बाद मैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट पे ही वीडियोस लाऊंगी, डोंट वरी। उन सब पे भी वीडियोस आएंगी, और अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी मैं, डोंट वरी। पहले आप जो चीज़ अभी पढ़ रहे हैं उस चीज़ को समझ लें कि यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। प्लीज क्विकली राइट इन द चैट। आकाश सरकार पूछते हैं, आर एक्स एस एस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इसका इम्पैक्ट आपका आउटर फंक्शनैलिटी को करप्ट करने के लिए भी हो सकता है। आपका जैसे सपोज कोई अगर स्क्रिप्ट लग गई है, तो कभी भी कोई भी रीडायरेक्शन हो सकता है ना? साइट पे जैसे रीडायरेक्शंस हो जाते हैं वायरसेस मालवेयर्स की वजह से, वो स्क्रिप्ट भी रन हो सकती है। तो इन सब के ये सारे इफेक्ट्स होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं। इन सबको बचने के लिए सबसे बेटर ये रहता है कि आप अपनी कोडिंग को इम्प्रूव करें, कोड को सिक्योरिटी से लिखें। ऑल राइट, और किसी का कोई डाउट? ऑल राइट, सो आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है। सो हियर आई एम एंडिंग द सेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। प्लीज राइट इन द चैट आपको कैसा लगा ये सेशन। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल रहेंगे। आप जितना हमें इंस्पायर करेंगे, जितना आप हमें मोटिवेट करेंगे, उतना अच्छा हम आपको बना के देंगे कंटेंट, और उतना अच्छा हम आपको पढ़ाएंगे। सो क्विकली राइट इन द चैट आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। आकाश सरकार बोल रहे हैं वेट, या प्लीज से इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। प्रोटोटाइप पोल्यूशन आप कह रहे हैं, सो इस तरीके से एज सच तो अटैक मैंने कहीं देखा नहीं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने आज तक ऐसा कोई अटैक नाम भी नहीं सुना है। एंड ये जितना हम लाइव साइट्स पे वर्क करते हैं, उनमें कहीं ऐसा कुछ अटैक देखा भी नहीं गया है। सो तीन कॉमन अटैक्स होते हैं एक्सएसएस में, रिफ्लेक्टेड होता है, स्टोर्ड होता है, एंड डॉम होता है। और इन्हीं तीन अटैक के नाम से भी ये एक्सएसएस अटैक जाना जाता है। ऑल राइट, आकाश कह रहे हैं सम सेज आर एक्सएसएस इज आउट ऑफ स्कोप। आउट ऑफ स्कोप वो क्यों कहते हैं आई डोंट नो। मे बी अगर वो एक्सेसेस अटैक आपसे फाइंड आउट कराना चाहते हैं, तो स्टोर्ड और डॉम से रिलेटेड फाइंड आउट कराना चाहते हैं, वो
रिफ्लेक्टेड पे इतना जाना नहीं चाहते, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ आउट ऑफ स्कोप तो नहीं होता। हालांकि एक्सेसेस अटैक की वल्नरेबिलिटी बहुत कम रेंज में पाई जाती है, कम रेंज इन द सेंस इसका जो सीवियरिटी लेवल होता है वो थोड़ा सा लो होता है कंपैरेटिवली अदर अटैक्स के, अदर वल्नरेबिलिटीज के। ऑलराइट, ओके, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? फटाफट फटाफट पूछिए, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? क्विकली राइट इन द चैट आपके कमेंट्स, आपको कैसा लगा, आपको किस तरीके का और कंटेंट चाहिए, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, प्लीज राइट इन द चैट, जिससे कि मैं और तपन सर और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आए और अच्छा आपको समझाएं। नेक्स्ट लाइव सेशन डेट इज टुमारो ओनली। एक्चुअली पहले मैं रात को सेशन लेती थी, लेकिन कुछ इश्यूज आने लग गए हैं मेरे डोंगल में, एयरटेल डोंगल में वाईफाई, तो उसका इंटरनेट इतना प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है, तो इस वजह से मैं ऑफिस आवर्स में, मतलब डे टाइम में ही मैं आपके लेक्चर्स लूँगी, ठीक है ना? तो आप टेंशन फ्री रह के लें, मैं कल भी लेक्चर लूँगी, ओके? पर प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बता दें कि आपको कैसा लगा, सो दैट आई विल इम्प्रूव इट और आई विल मेक इट मोर एम्फसाइज, जिससे कि आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा समझ में आए, ठीक है? कमेंट ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट भी हो हम और हम और अच्छा आपके लिए कंटेंट लेकर रहें। MS 2.0 कह रहे हैं कि कुछ डाउट है हमारे, सो डेफिनेटली हम आपका कंटेंट, आपको जो भी डाउट है, संडे को भी मैं एक लाइव सेशन ले लूँगी, डे टाइम पे ही लूँगी, मॉर्निंग और डे टाइम, तो उस टाइम पे मैं आपका कंटेंट, आपका क्वेश्चनरी सॉल्व कर दूँगी, ठीक है ना? मैं पहले ही आपको नोटिफाई कर दूँगी, और संडे को डे टाइम में ही होगा, तो क्वेश्चन एंड राउंड हो जाएगा, तो आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ लेना जो भी आपके डाउट्स हैं। सो थैंक यू सो मच, 5 स्टार रेटिंग एंड ऑसम लाइफ, थैंक यू सो मच, और अगर कंटेंट चाहिए और अच्छा इम्प्रूवमेंट चाहिए, सो आप प्लीज़ बताते रहिएगा, ओके? सो लेट मी एंड दिस सेशन नाउ, एंड हम कल भी मिलेंगे एंड हम परसों भी मिलेंगे, ओके? थैंक यू सो मच।